मेपल लीफ डीलर्स लीग 2019 सीजन 6 आज का मैच मेपल सूरमा और मेपल एक्स के दरमियान 22 नवंबर 2019 को जवारी क्रिकेट एकेडमी मुल्तान में खेला गया। आइए देखते हैं मैच की हाइलाइट्स। मेपल सूरमा वकास मुनीर की कयादत में ग्राउंड में दाखिल होंगे। खेल के हैं हम सुपरस्टार, मेपल एक्स अपने कप्तान मुजम्मिल हुसैन की कयादत में ग्राउंड में दाखिल होने जा रही है। सिद्रा बेग के लिए तालियां होनी चाहिए जी। मिस सिद्रा बेग आएंगे और उनके साथ जनाब मुजफ्फर महमूद साहब के लिए तालियां जी। जनाब आसिम सरफराज के लिए तालियां चाहिए जी। कौमी तराना प्ले होगा और हम सब पर लाजिम है कि कौमी तराने के एहतराम में बाअदब खड़े हो जाएं। अब मैं जनाब आसिम सरफराज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आज के मैच के बारे में कुछ कलिमात कहेंगे जी आपसे। सबसे पहले तो आने वाले तमाम मौजूद मेहमाना ने ग्रामी को और तमाम फैमिलीज को मेपल लीफ सीमेंट की तरफ से और बिलखसूस मेपल लीफ मार्केटिंग की टीम की तरफ से खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का मैच मेपल सूरमा और मेपल एक्स के दरमियान खेला जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो अच्छा खेल पेश करेगी वही जीतेगी। आसिम भाई, आपने कुछ मैचेस से मैं सुन रहा हूँ कि आपने कुछ पॉलिसी कुछ ऐसी चेंज की है जिससे गेम में मज़ीद एक्शन मज़ीद तेज़ी देखने को मिलेगी, वो क्या है? जी बिल्कुल, मैं बताता चलूँ दोनों कप्तानों के लिए भी कि हमने पैटर्न में थोड़ी सी चेंजिंग की है कि जो भी टीम हाई रन रेट के साथ जीतेगी वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी, उसे क्वार्टर फाइनल खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं दोनों कप्तानों से दरख्वास्त करूँगा कि ट्रॉफी की रूनमाई करेंगे। भरपूर तालियां चाहिए आपकी जी। ट्रॉफी की रूनमाई हो रही है आपके सामने, क्या बात है भाई, क्या बात है। दोनों कप्तानों से दरखास्त करूंगा कि वो पिच पे तशरीफ लाएंगे। टॉस के लिए दोनों कप्तान आएंगे। स्पेशल कॉइन भी अभी हम आपको दिखाएंगे जो कि स्पेशली क्राफ्टेड किया गया है मैचेस के टॉस के लिए। अभी आपके सामने पत्ते का निशान है जो मेपल लीफ का इंसिग्निया, ये हेड आज करार पाएगा टॉस के लिए। जबकि दूसरी जानेब आप देख सकते हैं डीलर्स लीग का मोनोग्राम है जो टेल ठहरेगा जी। जी हेड इज द कॉल एंड हेड इट इज। मुजम्मिल भाई, टॉस तो आपने जीत लिया है, मेपल एक्स टॉस जीत चुकी है, गेम प्लान क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेम प्लान ये है कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मैं आज इधर मेज़बानी का रोल अदा कर रहा हूं, तो इसलिए आने वाली टीम को मैं बैटिंग करने की दावत दूंगा। मेहमानी तो आपकी तय हो गई, आप ग्राउंड में उतर गए, क्या प्लान है? मैं सिर्फ मेपल एक्स के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम मारते ज्यादा और गिनते कम है। खूब मेजबानी निभाई है जी मेपल एक्स के कप्तान मुजम्मिल हुसैन साहब ने। टॉस जीत कर उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। आने वाले हमारे दोनों ओपनर्स 10 नंबर की शर्ट पहने हुए उमैरुल हसन मेपल सूरमा के, उनका साथ देंगे 19 नंबर की शर्ट पहने हुए अजहर हबीब। मेपल एक्स वालों पहली गेंद जाहिद सुटेगा जी, जाहिद गेंद करेगा जी, आला ऊंचा शॉट हवा में ऊपर, फील्डर बॉल के नीचे आते हुए कैच होने का खतरा, तुरंत कैच लिया, डीप पे खड़े हुए फील्डर का लॉन्ग ऑफ पर मौजूद। 19 नंबर की शर्ट पहने हुए अजहर हबीब आउट होकर पवेलियन में वापस जाते हुए जाहिद
आवाज तो कट कर दिया बड़ी खूबसूरती के साथ और डर के जाने बॉल या पटरी के पार चार रन के लिए। चलो भाई जाहद चल और डबल कर दिया है सेफ बॉल मगर डिफरेंट रिजल्ट। यासर लवली का जबरदस्त जवाब जाहिद को 13 स्कोर बनया पहले ओवर च। उमर हवा में ऊंचा गेंद बड़ा खूबसूरत रीड किया बाउंड्री की जानिब जाते हुए मगर खूबसूरत कैच लिया डीप मिड विकेट पे खड़े हुए फील्डर ने। दो ओवर का खेल मुकम्मल हुआ मजमुई स्कोर मेपल सूरमा का 19 जल्लाद खान चला। यासर लवली ने बड़ा अच्छा रीड किया बॉल को खेल दिया मिड विकेट के जा रहे बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए जोरदार छक्का यासर लवली का शॉट। यासर लवली का एक सफा वाइड स्लॉग ऑन के जानिब खेल दिया बॉल को 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। बहुत बड़ी विकेट गिर गई है इसी दौरान ग्राउंड में यासर लवली जबरदस्त बॉलिंग जा रही है जीशान की जानिब से बहुत खूबसूरत बॉल और बहुत क्लोज था कि आउट हो जाते और आउट कर दिया अंपायर का इशारा रन आउट कर दिया। आखिरी ओवर अपने कोटे का कर रहे हैं बॉल हवा में ऊंचा कीपर बॉल के नीचे आते हुए एक और खिलाड़ी आउट मेपल सूरमा का। चलो जी चलो बोल्ड कर दिया लगारी को इस सवारे आनुला ने स्कोर है जी 6 खिलाड़ी आउट हुए ने 6 ओवर दा खेल खत्म हो गया जी। लो जी आले हवा में बॉल ऊंचा कीपर बॉल के नीचे और आउट कर दिया कैच कर लिया जल्लाद खान का अच्छा तेज गेंद बिल्कुल नहीं रीड कर पाए। 8 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ क्या बात है भाई क्या बात है मुंडिया दी ताहिर आए ताहिर और छक्का बड़ा शॉट इस दफा तनवीर का मुजम्मिल और छक्का मार दिया मुजम्मिल की पहली लेजिट बॉल पे मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए मेपल एक्स के कप्तान। शॉर्ट पिच बॉल एक दफा फिर इसको ड्राइव कर दिया है जोर से पुल किया टेरेस बॉल स्टाइल में वाइंड स्लॉग ऑफ की जाने बॉल गया बाउंड्री के पास 4 रन के लिए मेपल एक्स की जानिब से मुजम्मिल हुसैन। और एक दफा फिर शॉर्ट पिच बॉल अच्छा कलट किया डीप पे फील्डर आते हुए बड़ा खूबसूरत कैच लिया क्या बात है डीप मिड विकेट पे भागते हुए आए फील्डर ने 27 नंबर की शर्ट पहने हुए सूरमा के मुजम्मिल हुसैन को एक और बड़ा छक्का मार दिया तनवीर ने स्टेट लग की जाने ग्राउंड से बाहर फेंक दिया जोरदार छक्का। आज दा अंपायर का इशारा जी आउट का इशारा किया जी हिट विकेट आउट हो गए इसके साथ ही तनवीर 75 स्कोर बनाना जी मेपल एक्स ने जी। लो जी सज्जाद अली जी मेपल सूरमा वालों पहला गेड़ा पहला ओवर जी पहली गेंद 31 नंबर दी शर्ट सज्जाद अली सज्जाद अली थोड़ा वाइड बॉल था मगर बड़ा खूबसूरती से कनेक्ट किया इसको डीप मिड विकेट की जानिब 6 रन के लिए सज्जाद उल्टा अली बॉल था इसको बड़ी खूबसूरती से रॉक किया और स्क्वायर लेग की जानिब खेल दिया बाउंड्री से बाहर जबरदस्त छक्का तनवीर चला इस दफा जबरदस्त शॉट मिड विकेट की जानिब बाउंड्री से बाहर फेंक दिया यासर लवली इस दफा फिर शॉट ऑफ अ गोल्डन बॉल था इसको बड़ी खूबसूरती से पुल कर दिया मिड विकेट के जाने 6 रन के लिए क्या बात है। यासर लवली का एक और शॉर्ट पिच बॉल उतना ही अच्छा जवाब एक और जबरदस्त छक्का यासर लवली इस दफा चेक पेस करने की कोशिश की अंपायर का इशारा देख रहा होगा बॉल गया सीधा डीड में मिड विकेट पे खड़े हुए फील्डर के हाथों में और वकास शेर एक बड़ी विकेट आउट हुई मजमुई स्कोर 35 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। चलो बड़ा शॉट इस्तेमाल नासिर पठान का मगर
नेम बेंड पे कट पे फील्डर मौजूद और अच्छा कैच लिया उन्होंने। दूसरा नुकसान मेपल एक्स को। लाजी अला बड़ा शॉट हवा में ऊंचा। खड़े हैं बैट्समैन अपील कर रहे हैं मगर यकीनी तौर पर वो आउट हो गए 27 नंबर की शर्ट पहने हुए एसन जहां जेब। तनवीर ने दौड़ना शुरू किया। तनवीर आए और उल्टॉस बॉल था हवा में ऊंचा खेल दिया। दो खिलाड़ी बॉल के नीचे आते हुए खूबसूरत कैच लिया। चार ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही मजमूई स्कोर है 43 चार खिलाड़ियों के नुकसान पर। मजेदार बॉलिंग सज्जाद वालों मजेदार बॉलिंग कन्वेंशनल स्पिनर मगर उसको रीड किया और मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया 6 रन के लिए। ग्राउंड से बाहर फेंक दिया जुहेब ने सफा जबरदस्त शॉट। 54 स्कोर है जी। इसका मतलब है रन साहब 20 मजीद स्कोर चाहिए। यासिर लवली मगर बड़ा प्यारा फ्लिक किया जुहेब ने कलाइयों का इस्तेमाल मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया। इसको फ्लिक किया था बड़ी खूबसूरती से 6 रन के लिए। यासिर जुहेब इस दफा एक और बड़ा शॉट। इस दफा खेला लॉन्ग ऑफ की जानेब फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है। बॉल गया बाउंड्री से पार और इसके साथ ही बड़ा छक्का जुहेब का विनिंग शॉट। आज का मैच मेपल एक्स ने जीत लिया है। जबरदस्त बैटिंग डिस्प्ले मेपल एक्स की जानेब से मेपल सूरमा को आज के मैच में शिकस्त हुई जनाब। हर मैदान है हमसे सजता जीत हमारी आदत है। सब तो पहले मैं जनाब मुजफ्फर साहब को दावत देंगा वो तशरीफ ले आएंगे जी। उन्हें वास्ते मुजफ्फर साहब वास्ते एक बारी भरपूर तालियां जी। हर मैदान है हमसे सजता जीत हमारी आदत है। हमसे जीतना वकास मुनीर आएंगे बहुत सारी तालियां इनके लिए। तालियां होनी चाहिए आपकी। हम जहां पर खेल जमाते लोग वहां। आईएस विकर टेकर जीशान बाबर के लिए बहुत सारी तालियां जी। जनाब आसिम सरफराज से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएंगे। इकोनॉमिकल बॉलर रेहानुल्ला के लिए बहुत सारी तालियां जी। रेहानुल्ला क्या बात है। मैन ऑफ द मैच सुहेब के लिए बहुत सारी तालियां जी। सुहेब मैन ऑफ द मैच क्या बात है। जीत की धुन है अपने सर पर सबसे अपनी टक्कर है खेल हमारा। मेपल एक्स के कप्तान मुजम्मिल हुसैन के लिए बहुत सारी तालियां। जीत की धुन है अपने सर पर सबसे अपनी टक्कर है।